हेलो गाइस, आपका जो ये रेलवे सीरीज के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। हम लोग 2014 का, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हो तो सॉल्व कर रहे थे पेपर, आज भी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2014 कोलकाता जोन 30 नवंबर को आया हुआ पेपर है ये। इसमें जो क्वेश्चंस थे आज मैं डिस्कस करूंगा आगे के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, 36 है तथा उनका योगफल 13 है, तो यह बताइए उन संख्याओं के बीच में अंतर क्या है। देखो संख्याएं नहीं पूछी, संख्याएं पूछते तो आप तो ऑप्शन से कर लेते, जिसमें 36 भी आ रहा है टोटल भी आ रहा है देख के कर लेते तुरंत। यहां अंतर पूछा गया, अंतर में हम क्या ट्रिक लगाएंगे ये देखते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, कोई भी कर लेगा जिसको कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 36, एक्स प्लस वाई 30। देखो आपको क्या करना है, कुछ मत करो, यहां पर इन दोनों को वो नंबर इमेजिन करना है जिनका टोटल तो 13 है, गुणा करने पे कितना आ जाए 36। तो हम टॉप से चलना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम जो मिनी मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है वो यही हो सकती है कि एक्स अगर 12 है तो मैं किसको ले लूं, दूसरी संख्या को क्या ले लूं, एक। मैंने संख्याएं क्या मान ली, एक्स और वाई। तो भाई अगर पहली संख्या 12 ले रहा हूं तो दूसरी मुझे एक तो लेनी पड़ेगी, तब 13 होगा। 12 इंटू 1 आ रहा है क्या 36, नहीं आ रहा, तो ये तो अप्लाई नहीं हुआ। फिर कुछ मत करो, यहां से एक कम करो, यहां एक बढ़ा दो, ये क्या होगा 11 प्लस 2, ये भी 13 होता है, 11 दुनी 22 आया क्या गुणा करने पे, नहीं आया। फिर अगला देख लो, 10 प्लस 3, 13 तो होता है लेकिन 10 तिया 30, 10 3 30 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो फिर अगला देखा, 9 और 4 कितना हुआ 36, 9 चौको 36, 9 4 36 ये आया, तो यही हमारा क्या हो गया वैल्यूज हो गई 9 और 4। इनके बीच में अंतर निकालना था, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 5, तो 5 क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है बहुत बेनिफिशियल ट्रिक है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। और इसको अगर हम ट्रिक्स नॉर्मल करते ना तो आपकी इक्वेशन बन जाती क्वाड्रेटिक, वो सॉल्व करना पड़ता आप स्क्वायर के टर्म में, तो हमें इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा और सेकेंड में आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए क्या है। एक संख्या का 63% और 45% के बीच अंतर 342 है, तो यह बताइए उस संख्या का 78% क्या होगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करो, वो संख्या मान लो, हमने मान लिया वो संख्या कितनी है हमारी x है। अब चलो ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, अब वो देखते हैं। 63% ऑफ x माइनस 45% ऑफ x, इनके बीच में अंतर कितना दिया आपको 342। अब इन दोनों को घटाओ कितना हो गया 18% ऑफ x बराबर कितना दिया 342, x बराबर कितना आ गया 1900। कैसे आया भाई 342 अपॉन 18 इंटू 100, 18 से कैंसिल करो कितना आएगा 19 इंटू 100 1900, तो x कितना आ गया 1900। अब इसी संख्या का हमें क्या निकालना 78%, तो 78% ऑफ x बराबर 78%, तो 78 का मैं हटा दूं यहां से परसेंट, तो 100 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 1900, 0 से 0 कैंसिल, 19 का सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर गुणा करना है 19 का 8। देखो टेबल्स याद कर लो, 25 तक बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। अब 19 का आप कितनी बार कर लो भाई, यहाँ पर कर लेते हैं हम, चलिए कितनी बार करा है यहाँ पर 19 8 आप जब करोगे तो 152 होता है 2, 15 गया आपका कैरी, 19 7 133 प्लस, तो उस संख्या का 78% कितना होगा 1482। कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, आसानी से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब फिर से प्रॉब्लम होने जी, इसका एक और क्वेश्चन है, तो आप ये देखो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही सेट में, एज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये देखो बल्क में क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इन क्वेश्चंस की। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 ही 18 में सॉल्व हो जाएगा, प्रेजेंट को हम 2018 ही लेते हैं ना। हाँ अब क्या दिया है आपको भाई 5:7, किसका ए और बी का, तो भाई ए की मैं मान लेता हूँ 5x और बी की मैं मान लेता हूँ 7x। अब और चीज़ क्या दी है भाई, a प्लस बी बराबर 48, 5x प्लस 7x बराबर 48, 12x बराबर 48, x बराबर 4, x बराबर 4 तो ये कितने का हो जाएगा 20 साल का, और ये हो जाएगा 28। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया
8 वर्ष का। आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत शॉर्ट ट्रिक थी, बहुत आसानी से हो गया, बस हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो मैं मेंशन करता हूँ ईयर्स, ये आप ही के सॉल्यूशन के लिए बहुत आसान कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आपसे पूछा गया 270 और 450 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच अनुपात क्या होगा। मतलब 270 और 450 जो संख्या है, इनका आपको कुछ नहीं करना है, LCM और HCF के बीच अनुपात बताना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे इसे देखते हैं। पहले संख्याएं क्या है, 270 और 450। देखो इनमें सबसे पहले कॉमन निकाल लो, यहां पर सबसे पहली चीज क्या कॉमन आ रहा है, 0। तो मतलब 10 निकाल लो, यहां कितना बचा 27 और यहां 45। 27 और 45 में भी कुछ कॉमन है क्या? हाँ, 9 के टेबल में 27 भी आता है और 45 भी आता है, तो 9 और ले लेता हूं मैं कॉमन। यहां कितना, देखो सबसे पहले 10 जब मैंने हटाया तो यहां कितना बचा 27, फिर 27 हटाया जब 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहां पर 3। सबसे पहले आपने किससे देखा यहां पर 10 से, तो 10 मैंने अलग से ले लिया, फिर आपने किससे करा यहां पर 9 से, 9 तो कॉमन कॉमन अलग। अब बचा कितना 3 और यहां पर डिवाइड करोगे तो 5, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो 3 और 5 यहां भी लिख लो। और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, यही थी 3 और 5, ये कॉमन नहीं आ रहे थे ना आप कहीं, आपका कॉमन क्या नहीं बचे यहाँ पर 3 और 5 और 9 और 10 आपका था यहाँ पर कॉमन। तो आप ये याद रखो, मैंने 9 और 10 लिखा यहाँ पर, 9 और 10 क्या था आपका, तो ये जो कॉमन है ये LCM में तो आता है और बची हुई वैल्यू भी LCM में गुणा हो जाती है। LCM HCF में ये फर्क है कि जो वैल्यू कॉमन नहीं होती वो HCF में नहीं ली जाती। तो कॉमन क्या था, सिर्फ 9 और 10, तो वो आप किस जोन में ले लोगे, आपके HCF में। अब इनके बीच में रेशो देखना है, तो भाई मैंने रेशो के लिए इतना बड़ा तो लगा रखा है, 9 और 10 कॉमन थे, क्या हो गए यहां पर कैंसिल, बचा क्या इकट्ठा 15 और यहां कितना बचेगा 1। तो सबसे बड़ी ट्रिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जब भी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, देखो ये आपके लिए सिंपल क्या होता है, आप ऐसे करते हो, है ना, मैंने आपको डायरेक्ट बताया 10 का करोगे तो क्या बचेगा 27 और 45। अभी तक कॉमन आ रहा वही ले रहे, 9 का कर दो, 9 है ना, अब जो भी कॉमन आया है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यही हमने किया था। यहां पर कॉमन क्या नहीं है, 3 और 5, तो डायरेक्ट लिख दो 3 और 5 क्या हो गया आपका यहां पर, और HCF की जगह पे लिख दो डायरेक्ट 1, तो जो कॉमन नहीं उसका मल्टीप्लाई कर दो LCM की जगह पे और 1 लिख दो HCF की जगह, तो आपका रेशो क्या आ गया 15:1। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने बोला यहाँ 1 लिख दो, जो नहीं था कॉमन उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पर 15:1। आई होप आज के इस लेक्चर में जो हमने आपसे डिस्कशन किया है वो आपको डीपली क्लियर हो गया होगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें जिससे मोर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।